जल है तो जीवन है। भारत के इन वर्षा वनों में जब मानसूनी बारिश अपना जादू बिखेरती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है और हर तरफ जीवन पनपने लगता है। इन घने जंगलों में कुछ नन्हे जीव भी रहते हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उन्हीं जीवों में से एक है मेंढक। इसका रिश्ता एम्फीबियन फैमिली से है। वैसे तो भारत में एम्फीबियंस की सैकड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन मेंढक हमारे लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं। मेरा नाम है विजय बेदी। मैं फिल्म निर्माता और फोटोग्राफर हूँ। मुझे सभी वन्य जीवों में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नन्हे एम्फीबियंस को ट्रैक कर रहा हूँ। मेरी ये खोज मुझे कुछ दलदली इलाकों और दुर्गम पहाड़ों में ले जाएगी। 3 साल तक चलने वाले इस सफर में मुझे कुछ बहादुर वैज्ञानिकों का सहयोग भी मिलेगा। इस वक्त दुनिया के लगभग 2/3 एम्फीबियंस का वजूद खतरे में है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या मेरी इस खोज से इस अनजाने जीव के बारे में कुछ नई बातें पता चलेंगी? The Secret Life of Frogs। मेंढकों की गिनती उन जीवों में होती है जो जमीन पर आकर सबसे पहले बसे। ये बहुत ही संवेदनशील प्राणी हैं। ये पर्यावरण में होने वाले सूक्ष्म बदलावों से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इनकी बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये जीव डायनासोर के दौर से धरती पर है, लेकिन हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। मिसाल के तौर पर ये सवाल है कि ये किस उम्र तक जीते हैं। कुछ मेंढक पेड़ों पर तो कुछ नदी तालाब में क्यों रहते हैं? मैं कुछ ऐसे राज खोलूंगा जो वैज्ञानिकों को भी चौंका देंगे। लेकिन ये आसान नहीं होगा। मेरे रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, इसलिए मैं अपनी खोज शुरू करने से पहले मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं मंडूक मंदिर में हूँ, भारत का इकलौता मंदिर जहां मेंढक की पूजा होती है। ये शानदार मंदिर 350 साल पुराना है। ये एक विशाल मेंढक की पीठ पर बना है। इस मेंढक की मुद्रा और इसकी बड़ी बड़ी आंखों के जादुई असर से बच पाना नामुमकिन है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के एक स्थानीय राजा को एक मेंढक से आशीर्वाद मिला था, इसलिए उसने इस दिव्य मेंढक के सम्मान में ये मंदिर बनवाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मेंढक वर्षा का प्रतीक है। भारत के कई हिस्सों में जब सूखा पड़ता है या मुश्किलें आती हैं, तो मेंढक की पूजा अर्चना की जाती है। शायद यहाँ पूजा अर्चना करने से मेरा मुश्किल सफर भी आसान हो जाए। मैं दक्षिण भारत के सबसे पुराने वर्षा वनों की ओर जा रहा हूं। पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत की वो पर्वतीय श्रृंखला है जो दुनिया भर में अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ की हरी भरी घाटियों में शानदार झरने और सदाबहार जंगल हैं, और इन जंगलों में तरह तरह के लाजवाब जीव जंतु रहते हैं। ये जगह अपने बेमिसाल एम्फीबियंस के लिए मशहूर है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर मेंढकों की 138 प्रजातियां पाई जाती हैं।
इनमें से एक है टॉरेंट फ्रॉग। इस प्रजाति के फ्रॉग्स दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ये प्रजाति लगभग 8.5 करोड़ साल पहले विकसित हुई थी। ये मेंढक कलकल करती नदियों में रहते हैं। यहाँ के तेज आवाज वाले माहौल में ये बहुत अनोखे ढंग से एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। अपने क्षेत्र को स्थापित करने के लिए ऊंची चट्टानों पर बैठकर नर अपनी वोकल सैक्स की नुमाइश करते हैं। इनकी पुकार निचले सुर में होती है ताकि पानी की आवाज से अलग सुनाई दे। लेकिन सिर्फ बुलाने से मादाएं नहीं आती, आपका नजर आना भी जरूरी है। चट्टान का हर टुकड़ा मादाओं के लिए वो स्थान हो सकता है जहां पर उन्हें प्रजनन के लिए इच्छुक साथी नजर आ सकता है। मेल टॉरेंट फ्रॉग की एक बहुत ही अजीबोगरीब आदत उसे बारीकी से देखने पर नजर आ सकती है। वो कूदने से ठीक पहले पेशाब करता है। इससे वो प्रतिद्वंद्वी को अपने इलाके की हदें बताता है या फिर उसे धोखे में रखने की साजिश करता है। नर अपने इलाके की ऊंची चट्टान पर खड़े होकर घुसपैठियों पर नजर रख सकता है। उन्हें चेतावनी देने के लिए नर अपने पैरों से एक खास तरह की आवाज करता है। ये एक शानदार टैप डांस की तरह लगता है। जबकि घुसपैठिया चेतावनी को अनदेखा कर अपनी चाल चलता रहता है। वो बेफिक्र अंदाज में आगे बढ़ता है और जिसका ये इलाका है उस मेंढक को चुनौती दे देता है। दोनों में टकराव निश्चित है। दोनों ने पोजीशन ले ली। इनके बीच का टकराव किसी किकिंग मैच की तरह होगा। ये एक चट्टान से दूसरी पर कूद रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ये दिखने में आसान लग सकता है लेकिन है नहीं। इन मेंढकों का आकार एक इंसानी अंगूठे से भी छोटा है। इतने जोश के साथ पांव फैलाने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इस तरह का मुकाबला बहुत थका देने वाला है। एम्फीबियंस को जो भी मिलता है ये खा लेते हैं। भोजन के मामले में इनके कोई नखरे नहीं होते। ये अपनी चिपचिपी जीभ से दूर बैठे शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। खाने के बाद ये थोड़ी देर के लिए अपना मुंह खुला रखते हैं, फिर उसे बंद कर लेते हैं। ऐसा ये क्रमिक रूप से बार बार करते हैं। इस प्रक्रिया से हवा इनके शरीर के भीतर दाखिल होती है, जो शायद मुंह में आए शिकार को पेट की तरफ धकेलने में मदद करती है। टॉरेंट फ्रॉग्स के इस व्यवहार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके लिए कुछ और शोध की जरूरत है। और जल्द ही नर को एक मादा के आने का एहसास हो जाता है। नर के मुकाबले मादा का रंग हल्का और आकार लगभग दुगना होता है। इसे आकर्षित करने के लिए नर पास की चट्टान पर चढ़ जाता है। अब इसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मादा का दिल जीत सके। Thank you.
मादा को आकर्षित करने के लिए नर एक खास किस्म का डांस करते हैं। पैर के इस मूवमेंट को फुट फ्लैगिंग कहते हैं। ये अपने पैर फैलाते हैं, उनसे खटखटाहट करते हैं और पैरों की उंगलियों की नुमाइश करते हैं। ये एक शानदार नृत्य का रूप ले लेता है। अपने इस खास डांस की वजह से इन्हें इंडियन डांसिंग फ्रॉग भी कहा जाता है। नर अपने शानदार नृत्य से मादा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और उनमें मिलन होता है। उसके बाद जोड़ा उथले पानी में आगे की प्रक्रिया को अंजाम देता है। मादा नर की पीठ पर सवार है। इस वक्त मादा की निगाहें अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश कर रही हैं। मादा अपनी ताकतवर टांगों की मदद से पानी में एक गड्ढा खोदने में लगी है। यह अपने से भी बड़े पत्थरों को लात मार मार कर हटाने की ताकत रखती है। ये इस गड्ढे में अंडे देकर उन्हें मिट्टी से ढक देगी। भारत में टॉरेंट फ्रॉग्स के अलावा मेंढकों की कोई और प्रजाति ऐसा नहीं करती। अंडों को सुरक्षित करने के बाद जोड़ा घने जंगल में गायब हो जाता है। जल के ये स्रोत यहाँ रहने वाले एम्फीबियंस के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। डॉक्टर बीजू दास विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ये हमारे अभियान में शामिल हुए हैं। इन्होंने मेंढक की 100 से ज्यादा ऐसी प्रजातियों की खोज की है जिन्हें विलुप्त घोषित किया जा चुका था। इस अभियान को उनके लंबे तजुर्बे का बहुत फायदा मिलेगा। ये अजीब से दिखने वाले जीव टैडपोल हैं। इन फिसलन भरी चट्टानी दीवारों पर इन्होंने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। वैज्ञानिकों ने इस तरह के टैडपोल्स का जिक्र पहली बार लगभग 100 साल पहले 1918 में किया था। लेकिन जब डॉक्टर बीजू ने 2003 में पर्पल फ्रॉग की खोज की तो भारत में एम्फीबियन रिसर्च को एक नया प्रोत्साहन मिला। मैं इस इलाके में इस शर्मीले जीव की खोज करने आया हूँ। इस प्राचीन जीव का नजारा बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर मुझे लोगों की मदद मिलती है तो शायद मैं इस नायाब जीव को देख पाऊँ। इस अभियान में मेरे साथ मेरा जुड़वा भाई अजय बेदी है, जो कि एक लाजवाब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। इसके अलावा दो जाने माने फ्रॉग साइंटिस्ट आशीष थॉमस और संदीप दास भी हैं। ये सालों से पर्पल फ्रॉग पर खोज कर रहे हैं। इस मेंढक के कुछ डीएनए सबूत मिले हैं जिससे पता चला है कि ये जीव 13 करोड़ साल से धरती पर है, वो वक्त जब डायनासोर का राज था। अगर मैं इसे कैमरे पर फिल्माने में कामयाब हो जाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। रात हो गई है। पूर्व मानसून के बादलों ने आसमान को घेर लिया है। ये वक्त मेंढकों की टरटराहट का है। पूरा जंगल मेंढकों की टरटराहट से गूंज उठा है। रात के अंधेरे में मानसून ने दस्तक दे दी है। पर्पल फ्रॉग्स मानसून की शुरुआती बारिश के दौरान ही बिल से बाहर निकलते हैं। साल के बाकी वक्त वो अपने बिल में ही रहते हैं। इस नायाब मेंढक के इंतजार में मैं यहाँ कई दिनों से अपना कैमरा लगाकर बैठा हूँ। बारिश की तेज आवाज पर्पल फ्रॉग्स के कानों तक पहुंच गई है। उनकी टरटराहट भी शुरू हो चुकी है। और तभी पूरी टीम का ध्यान कुछ बेहद अजीब आवाजों की तरफ चला जाता है।
दो पर्पल फ्रॉग्स आपस में बुरी तरह से गुत्थम गुत्था है। ये एक मादा को पाने की लड़ाई है। ये दोनों सुमो रेसलर्स की तरह एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। इस लड़ाई में योद्धा को दम लगाकर और तेजी दिखाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को चित करना होता है। जीतने वाला नर शान से मादा की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा माना जाता है कि मादा की टरटराहट नर से बहुत अलग होती है। फीमेल पर्पल फ्रॉग अभी बिल से बाहर नहीं आई है। पूरी टीम उसके आने का इंतजार कर रही है। हम कई रातों से मादा के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। हमें बहुत सब्र से काम लेना होगा। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। ये मानसून की पहली बरसात थी, इसीलिए बहुत कम पानी बरसा। इसी वजह से मादा के बाहर आने की संभावना बहुत कम है। मिलन न कर पाने की वजह से नर हताश हो गया। वो वापस अपने बिल में घुसने लगता है। वो अगले साल मिलन करने की फिर से कोशिश करेगा। मैं इस प्रक्रिया को फिल्माना चाहता था। पता नहीं मेरी यह तमन्ना पूरी हो पाएगी या नहीं। मॉनसून का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन भारत में कहीं भी बारिश का नामोनिशान नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देरी से बारिश होना जलवायु परिवर्तन का पहला इशारा है। इससे पहले यहां इतना ज्यादा तापमान कभी नहीं हुआ। नमी भी बहुत ज्यादा है। टीम के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। इस बार जंगल की गर्मी ने सभी जीव जंतुओं का जीना दुश्वार कर दिया है। रास्ते में हमें एक मरा हुआ बूफस फ्रॉग नजर आता है। मेंढक बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये वातावरण में होने वाले बदलावों से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इसके अलावा सिमटते वर्षावन और खेती में कीटनाशक के बढ़ते उपयोग की वजह से भी इनका जीवन अब बहुत खतरे में पड़ गया है। जो चीजें मेंढकों को इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं, उनके असर से हम भी ज्यादा वक्त तक नहीं बच सकते। ये सब देखकर मेरा मन भारी हो गया है, लेकिन मुझे अपने मिशन में आगे बढ़ना होगा। मेरा मिशन है कि मैं एम्फीबियंस की अनकही कहानी को लोगों तक पहुंचा पाऊं। तभी इतनी सारी अड़चनों के बावजूद मैं इस मुश्किल सफर में लगातार आगे बढ़ रहा हूं। भारत के बाकी हिस्सों में सिर्फ एम्फीबियंस ही नहीं, इंसान भी घातक गर्मी की मार झेल रहे हैं। अगर बारिश नहीं होती तो सभी जीवों की जान खतरे में पड़ सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मेंढक वर्षा के प्रतीक हैं। इनकी मान्यता है कि इस जीव की पूजा अर्चना से बारिश हो सकती है। यहाँ ये विधिवत तरीके से मेंढक की पूजा करने के लिए जमा हुए हैं। ये लोग दो मेंढकों की शादी रचाकर वर्षा के देवता भगवान इंद्र का आह्वान कर रहे हैं। दुल्हन और दूल्हे को बहुत दिल से सजाया गया है।
हर एक रस्म को निभाया जा रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, मानो ये गांव की किसी बेटी की शादी हो रही हो। क्या मेंढकों की शादी रचाने से बारिश हो सकती है? सच बताओ, मुझे नहीं लगता। सभी रस्मों को निभाने के बाद गांव के लोग विवाहित जोड़े को तालाब के पास ले जाते हैं ताकि उन्हें मुक्त कर सकें। दक्षिण पश्चिम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। शायद इनकी पूजा अर्चना से बारिश के देवता भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि लोगों का अपनी मान्यताओं में विश्वास है और इनकी वजह से ही ये हजारों साल से कुदरत के साथ जुड़े हैं। आखिरकार मॉनसून आ ही गया। इसके साथ एक नई उम्मीद भी जगी है कि अब इंसान और बाकी जीव जंतुओं का जीवन बेहतर हो जाएगा। क्या मेरी तमन्ना भी पूरी होगी? जिस नायाब मेंढक को मैं पिछले 3 साल से फिल्माना चाहता हूं, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? बारिश की बूंदों ने जंगल में जान डाल दी। बारिश की बूंदों के स्पर्श ने इस पर्पल फ्रॉग को सक्रिय कर दिया है। आखिर वो पल आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। सब्र से काम बन ही गया। ये पर्पल फ्रॉग्स का प्रजनन काल है। जंगल नरों की मेटिंग कॉल से गूंज रहा है। उन्हें इस लम्हे का काफी वक्त से इंतजार था। वो किसी मादा के साथ रोमांस करने के लिए बेकरार है। ये बाकी मेंढकों के मुकाबले बहुत अलग दिखता है। इसकी नाक शूकर जैसी होती है। इसका सिर बहुत छोटा और त्वचा फिसलनदार होती है और इसकी बाहें बहुत छोटी होती हैं। इसकी बनावट जमीन के नीचे जीने के लिए हुई है। इसकी मेटिंग कॉल्स को सुनकर एक मादा अपने बिल से बाहर आती है। ये आकार में नर से दुगनी है और इसका वजन नर की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा है। इस गोल मटोल मादा के पेट में हजारों अंडे हैं जो फर्टिलाइज होने की अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले ये कुछ पेट पूजा करेगी ताकि शरीर में थोड़ी ऊर्जा आए। बारिश के साथ नमी भी आती है जो दीमक को आकर्षित करती है। विकास के क्रम में पर्पल फ्रॉग्स की थूथन ने नुकीला रूप ले लिया। ये थूथन खुदाई और शिकार के वक्त इनके बहुत काम आती है, लेकिन जब मिट्टी के टीले ज्यादा सख्त होते हैं तो ये अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करते हैं। ये दीमक वसा से भरपूर हैं। इन्हें खाने से इस मादा को वो ऊर्जा मिल जाएगी जिसकी इसे जरूरत है। ये मेंढक छोटे छोटे कीड़े खाकर अपनी भूख मिटाते हैं,
शिकार करते वक्त इनकी लंबी बेलनाकार और नुकीली जीभ इनके बहुत काम आती है। ज्यादातर समय ये भोजन करते हुए जमीन के नीचे होते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसे यहां खाते हुए फिल्मा पाए। प्रोटीन युक्त भोजन से इसे थोड़ा सहारा मिल जाएगा, क्योंकि प्रजनन काल में बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। साथी की तलाश आसान नहीं होगी। नदी तक पहुंचने के लिए इसे काफी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना होगा। बदन की खास बनावट के कारण ये चट्टानी इलाके में बहुत सुचारू रूप से चल पाते हैं। अभी नदी बहुत दूर है, थोड़ा आराम करके आगे बढ़ना बेहतर होगा। इसके रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां और मुश्किलें हैं, लेकिन पर्पल फ्रॉग्स का प्रजनन काल ज्यादा लंबा नहीं होता। इसे नदी तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। इसके साथ साथ चलना हमारी टीम के लिए बहुत चुनौती भरा है। वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक एक पहेली है कि नर और मादा एक दूसरे को कैसे ढूंढ लेते हैं। मेटिंग कॉल्स करने में नर की बहुत ऊर्जा लगती है। इसके लिए ये अपनी सांस को पहले रोकते हैं और फिर अपने पेट को सिकोड़कर हवा को बाहर छोड़ते हैं। इससे इनकी टरटराहट में एक गूंज पैदा हो जाती है। पर्पल फ्रॉग्स के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद ये मेटिंग कॉल्स का अंदाजा लगा लेते हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। मेटिंग कॉल्स का जवाब मादा बहुत ही मंद स्वर में देती है। मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे पहले मादा के स्वर को कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। मेरी यात्रा के हर चरण में मैंने पर्पल फ्रॉग के बारे में कोई नया खुलासा किया है। इन नई जानकारियों पर आगे शोध करना बहुत जरूरी है। ये बात तो साफ है कि इस प्रजाति का मिलन मॉनसून के साथ जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि अब इस जीव की संख्या सिर्फ सैकड़ों में रह गई है, और क्योंकि नरों की तुलना में मादाएं कम हैं, इसलिए इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है। मादा को इतना करीब पाकर नर उत्तेजना से भरा है। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। वो अपनी थूथन और अपने फोलिम्स से मादा को कभी धकेल कर और कभी प्यार से सहलाकर मिलन के लिए राजी कर रहा है। काफी कोशिश करने के बाद मादा मान जाती है। नर उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक खास तरह का आलिंगन करता है, जिसे एक्सिलरी एम्प्लेक्सिस कहते हैं। नर के अंगूठे पर खास तरह के पैड होते हैं, जो उसे मादा पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद करते हैं। ये मादा को उत्तेजित करने में भी काम आते हैं। अब ये जोड़ा बहुत करीब महसूस कर रहा है। इनका रोमांस शुरू हो चुका है। इस मुद्रा में ये जोड़ा 30 से 40 मीटर का फासला तय कर सकता है। इस वक्त ये अंडे देने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश कर रहे हैं। इसमें कई घंटे लग सकते हैं।
ये भी देखा गया है कि एक फीमेल पर्पल फ्रॉग को जल स्रोतों तक पहुंचने के रास्ते याद रहते हैं, वो रास्ते जहां से वो पहले कभी गुजरी थी। ये जोड़ा मिलकर कठिन रास्तों से गुजरता है और अड़चनों का सामना करता है। नर अपने प्यार को साबित करने के लिए मादा को कसकर पकड़े रहता है। ये अपनी तलाश में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सूरज डूबने को है। मैं इस जोड़े के साथ साथ चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस जोड़े को अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अंडे फूटने के बाद जब उसमें से टैडपोल बाहर आएंगे, तब तक मानसून की वजह से पानी का बहाव तेज हो जाएगा और वो उन टैडपोल को बहा कर ले जाएगा। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ही जगह का चुनाव होगा। आखिरी फैसला मादा का होगा। जब तक उपयुक्त जगह नहीं मिलती, ये मादा रुकने वाली नहीं है। ये नर प्यार में कुछ ज्यादा ही अंधा हो गया था। इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बेशक इसने अपनी आंख गवा दी है, लेकिन रास्ता खोजने में इसे कोई परेशानी नहीं होती। कम से कम ये खुशकिस्मत है कि ये जिंदा है। और आखिर अंडे देने की जगह का चुनाव हो गया है। ये मादा इस दरार में अंडे देगी। इस जोड़े को दरार से बाहर आना पड़ेगा ताकि ये सांस ले सकें। पर्पल फ्रॉग्स पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। उन्हें 3 से 4 मिनट बाद सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये एक पनडुब्बी की तरह पानी में जलमग्न हो सकते हैं। लगता है अंडे देने का टाइम हो गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक पहाड़ी से मटमैले पानी का तेज बहाव होता है। ये पानी उस दरार में घुस जाता है जहां मादा अंडे देने की तैयारी कर रही थी।
मुझे इस बात का डर है कि इस मटमैले पानी की वजह से सब कुछ चौपट ना हो जाए। मैं पर्पल फ्रॉग के मिलन को फिल्माने के लिए बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद मैं जो देखता हूं वो मुझे हैरान कर देता है। अंडे देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फीमेल पर्पल फ्रॉग ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। ऐसा देखा गया है कि अंडे देते वक्त मादा को नर से मदद मिलती है। वो मादा की रीढ़ की हड्डी को सहलाता है और उसे धकेलता है, जिससे उसे अंडे देने में आसानी हो जाती है। इन अंडों को नर अपने हाइंड लिम्ब्स में जमा करके फर्टिलाइज कर देता है। फिर वो इन अंडों को अपने हाइंड लेग्स से उठाकर चट्टान की सतह के ऊपर चिपका देता है। अंडे देने की इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही भावुक पल है। ऐसी चीज को पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये जानकारियां वैज्ञानिकों के लिए भी अब तक राज थीं। पर्पल फ्रॉग की प्रजनन क्रिया किसी को भी हैरत में डाल सकती है, क्योंकि ये प्रजाति एक बार में 3600 अंडे देती है और इस प्रक्रिया के बाद ये जोड़ा बुरी तरह से थक जाता है। बारिश के पानी से नाले नदियां भरनी शुरू हो गई हैं। उस दरार में भी पानी भर गया है जहां पर्पल फ्रॉग ने अंडे दिए थे। पानी के बढ़ते स्तर की वजह से जोड़े का यहां और रहना इनके लिए जानलेवा हो सकता है। मादा निकलने से पहले आखिरी बार चेक करती है कि उसके अंडे चट्टान की सतह पर ठीक से चिपके हैं या नहीं। अब इन पर्पल फ्रॉग्स के भूमिगत होने का वक्त हो गया है। अगले साल फिर मानसून आएगा, तब ये फिर बाहर आएंगे। मेंढक की ज्यादातर प्रजातियों में मिलन के बाद नर मादा को छोड़ देता है, लेकिन पर्पल फ्रॉग्स ऐसा नहीं करते। ये अंडों को फर्टिलाइज करने के बाद भी मादा के साथ बने रहते हैं और वापस भी साथ में लौटते हैं। इस अभियान में शामिल वैज्ञानिकों ने मुझे बताया कि इससे पहले पर्पल फ्रॉग्स के पूरे प्रजनन चक्र को जंगल में कभी भी फिल्माया नहीं गया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। टैडपोल फैमिली के कुछ बच्चे पर्पल फ्रॉग के अंडों को खाने आ पहुंचे हैं। उनके अलावा ड्रैगन फ्लाई के कुछ लार्वा और कुछ कीड़े मकोड़े भी दावत उड़ाने आ गए हैं। एक फ्रेश वाटर टर्टल भी मौके का फायदा उठाने के लिए आ गया है। शायद यही वजह है कि हजारों अंडे देने के बाद भी पर्पल फ्रॉग के कुछ ही बच्चे जवानी की दहलीज पार कर पाते हैं। मॉनसून जोरों पर है और अब हम जा रहे हैं मध्य भारत के सदाबहार जंगलों में। यहां हम एक प्राचीन मेंढक की खोज करेंगे, बॉम्बे नाइट फ्रॉग। भारत का वो इकलौता मेंढक जिसकी आंख की पुतलियां हीरे के आकार की होती हैं। ये यहां के वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से ढल चुका है।
इसके फोर लिम्स छोटे और हाइंड लिम्स लंबे होते हैं, जिसकी बदौलत ये पानी के अलावा पेड़ों पर भी जी सकता है। नर अपने इलाके की हिफाजत करना जानता है। फिलहाल ये मेटिंग कॉल से मादाओं को रिझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ मादाएं इसकी मेटिंग कॉल सुनकर आ गई हैं। अब नर के ऊपर है कि वो किसको चुनता है। पेड़ की सतह फिसलनदार है, इस पर पकड़ बनाना आसान नहीं है। ऊपर से मादा के नखरों ने नर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कभी कभी मादाएं भी मेटिंग कॉल से नरों को रिझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस विषय के बारे में वैज्ञानिक ज्यादा नहीं जानते। इस प्रजाति में नर मादा का अनुपात बहुत बिगड़ा हुआ है। अगर 25 नर हैं तो सिर्फ एक ही मादा है। इस वजह से मादाओं की मांग हमेशा बनी रहती है। इस नर ने हार नहीं मानी है, ये अपनी किस्मत को फिर से आजमाता है। दुनिया में मेंढकों की लगभग 7,000 प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकों ने इनकी 6 मेटिंग पोजीशंस की पहचान की है। बॉम्बे नाइट फ्रॉग्स अपने साथी को गले लगाने की बजाय उसे स्ट्रैडल करते हैं। इस मेटिंग पोजीशन को डॉर्सल स्ट्रैडल कहते हैं। नर मेंढक मादा की पीठ पर सवार हो जाता है और अपने हाथों को किसी पत्ते या टहनी पर टिका देता है। जाहिर है डॉर्सल स्ट्रैडल विज्ञान के लिए एक नई मेटिंग पोजीशन है। डॉक्टर बीजू पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नई पोजीशन के बारे में दुनिया का ध्यान खींचा। ये नर अपने पेट को हिलाकर मादा को सहला रहा है। शायद ये मादा को अंडा देने में मदद कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये शुक्राणु छोड़ रहा हो। जल्द ही मादा अपनी पीठ को बार बार उठाती है। ये नर के लिए मादा को अकेले छोड़ देने का इशारा है। इनकी अंडे देने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, ऐसा एम्फीबियंस में कम ही होता है। ये बहुत ही अनोखा ब्रीडिंग बिहेवियर है, क्योंकि जिस वक्त मादा अंडे दे रही होती है आमतौर से नर उसके ऊपर नहीं होता। अंडों की संख्या कितनी होगी ये मादा के आकार से तय होता है। ज्यादातर एम्फीबियंस में नर अपनी जगह पर बने रहकर मेटिंग कॉल्स जारी रखते हैं। शायद मिलन होने के बाद वो दूसरी मादा को रिझाने की कोशिश करते हैं। मादा के जाने के बाद नर पिता की भूमिका निभाते हैं। वो बच्चों की देख रेख में लग जाते हैं। नाइट फ्रॉग्स में 40 अलग अलग रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं नाइट फ्रॉग्स में से एक है कंबारा। ये अपनी अनोखी पेयरिंग के लिए जाना जाता है। ये अपनी खास तरह की मेटिंग कॉल टॉक टॉक के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे मादा आगे बढ़ती है ये ध्वनि तेज होती जाती है। ये नदियों में रहने वाला मेंढक सबसे छिपकर मेटिंग करता है। ये जोड़ा लाजवाब तरीके से हैंड स्टैंड पोजीशन में मेटिंग कर रहा है। अंडों को फर्टिलाइज करने के बाद ये नर पानी में उतरकर मादा का इंतजार कर रहा है, जो अभी भी अंडे दे रही है। ये लगभग 6 से 9 अंडे देगी। आमतौर से ये ऐसी टहनी, पौधे या चट्टान पर अंडे देती है जो पानी के ठीक ऊपर हो। जंगल में दूसरे जीवों की नजरों से बचना मुश्किल होता है।
ये बेबस माता पिता अपने अंडों को एक क्रैब का भोजन बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। जिस टहनी पर जोड़े ने अंडे दिए थे वो उसे करीब से जाकर देखते हैं। क्रैब ने एक अंडा भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर गुरु राजा एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कंबारा फ्रॉग्स के अनोखे व्यवहार पर बहुत अध्ययन किया है। कंबारा फ्रॉग्स कैसे अपने अंडों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ करते हैं, इन्होंने इस पर काफी काम किया है। नर अपने हाथों को कीचड़ से भरते हैं, फिर अपने हाइंड लेग्स पर खड़े होकर अपने अंडों पर धीरे से कीचड़ लेपते हैं। ये अपनी उंगलियों का इंसानों की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय भाषा में कंबारा का अर्थ है कुम्हार। ये नाम इन्हें शायद इसलिए मिला क्योंकि ये अपने अंडों पर बहुत सब्र के साथ कीचड़ लेपते हैं। ये पानी में से कीचड़ जमा करते हैं। अंडों को लेपने में लगभग 25 मिनट लग सकते हैं। नर इस काम को बहुत शिद्दत के साथ करता है। वो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक अंडे पर मिट्टी की परत ठीक से नहीं चढ़ती। ये अंडे किसी टहनी या पत्ती के साथ बहुत मजबूती के साथ चिपके होते हैं। उन्हें बाहर खींचने में किसी इंसान को भी बहुत मुश्किल हो सकती है। मिट्टी की परत अंडों को सूखने से भी रोकती है। मेरे लिए ये जानकारी बहुत चौंकाने वाली है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेंढक कुम्हार भी हो सकते हैं। लेकिन मेंढक सिर्फ पानी में नहीं रहते। मेंढकों की कुछ प्रजातियां पेड़ों के जीवन के अनुसार ढल गई हैं। पेड़ों पर रहने वाले मेंढकों की उंगलियों पर चिपचिपा पैड होता है और इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और इसी खासियत की वजह से इन्हें पेड़ों पर बहुत मदद मिलती है। मेंढक की आंखों के रंग और आकार कई प्रकार के होते हैं। ये 360 डिग्री में चारों ओर देख सकती हैं और छोटी से छोटी हरकत को पकड़ लेती हैं। टीम को कुछ भूखे सांपों का पता चला है। कुछ मेंढक खाना चाहते हैं और कुछ उनके अंडे। ये अंडों की रक्षा करने वाला एक झागदार घोंसला है, लेकिन ये इस कैट स्नेक को रोकने के लिए काफी नहीं है। मेंढकों के ज्यादातर अंडे परभक्षियों का भोजन बन जाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर मेंढक जवानी की दहलीज पार नहीं कर पाते। पेरिफेरल विजन और फुर्तीले होने के बावजूद मेंढक आसानी से परभक्षियों के शिकार बन जाते हैं। ये क्रैब एक वयस्क मेंढक के शिकार पर निकला है। मुझे बताया गया है कि ये एक नायाब नजारा है। जंगल में हर वक्त जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है। लाखों साल से विकास का क्रम ऐसे ही चलता आया है। बॉम्बे नाइट फ्रॉग के अंडे बच गए हैं और लगभग 2 हफ्तों में उनमें से टैडपोल निकल आए हैं। ये अंडे के चिपचिपे तरल पदार्थ से फिसलकर नदी में पहुंच रहे हैं, जहां इनका कायापलट हो जाएगा। पानी इनके लिए एक गर्भ की तरह है। ये इनका जन्म स्थान है, जहां इन्हें पनाह मिलेगी जो उन्हें पोषण देगा। ये युवा टैडपोल्स की पूरी फौज दुनिया में अपनी जगह बनाने निकली है। इस मौसम में इन्हें भोजन की कोई कमी नहीं होगी।
इस पर्पल फ्रॉग ने 60 दिन पहले अंडे दिए थे। जो कभी 3 मिलीमीटर का अंडा था वो अब 90 मिलीमीटर के टैडपोल में विकसित हो गया है। नदी के ऊपरी तरफ बढ़ते बढ़ते इन टैडपोल्स के मुंह में खास अंग विकसित हो गए हैं, जिससे ये एल्गी खाकर अपना पोषण कर सकते हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ जंगली जीव जंतुओं से खतरा नहीं है। हर साल स्थानीय लोग इन्हें पकड़ने के लिए निकलते हैं। टैडपोल की पूंछ अभी भी बहुत लंबी है, इस वजह से ये मछली की तरह दिखते हैं। क्योंकि ये हर साल सिर्फ थोड़े वक्त के लिए उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें डेलिकेसी माना जाता है। टैडपोल को पकाया जाता है और आमतौर से उन्हें उबले हुए चावल या टैपियोका के साथ खाया जाता है। चार लोगों का एक परिवार एक बार में 300 तक टैडपोल्स खा सकता है। इन्हें अंदाजा भी नहीं कि इससे इस प्रजाति की तादाद पर क्या असर पड़ सकता है। जंगल में रहने वाले ये लोग हर साल सिर्फ मुट्ठी भर टैडपोल पकड़ते हैं, लेकिन अगर ये डेलिकेसी कमर्शियल हो जाती है तो इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। एम्फिबियंस के बेहतर भविष्य के लिए ये जरूरी है कि यहाँ रहने वाले लोगों को संरक्षण में भागीदार बनाया जाए। मैं लिली मार्गरेट से मिलने आया हूँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की स्टूडेंट हैं। ये ठीक वही काम कर रही हैं। ये बच्चों को पर्यावरण और वातावरण जैसे विषयों के बारे में सिखा रही हैं। लिली जानती हैं कि उनका संदेश इस कक्षा से बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। अगर हम अपनी धरती के सुनहरे भविष्य में शानदार एम्फिबियंस को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अपनी शिक्षा से जोड़ना होगा और उनके बारे में शोध करनी होगी। ये बच्चे न सिर्फ जंगल के प्रति खुद सचेत होंगे, बल्कि गांव जाकर अपने समाज में भी ये चेतना फैलाएंगे। मेंढकों में ढलने की लाजवाब क्षमता है, तभी तो वो लाखों साल तक पृथ्वी पर फल फूल पाए। लेकिन पिछले कुछ वक्त से इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। हाल ही में किट्रिड फंगस नाम की बीमारी से दुनिया के कुछ हिस्सों में मेंढक की बड़ी आबादी मिट गई थी। एक तरफ वैज्ञानिक इस बीमारी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ संस्थाएं भारत को छोटे जीवों के घर के रूप में पेश कर रही हैं और इनकी अहमियत के बारे में लोगों को समझा रही हैं। लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है। भारत की संरक्षण नीतियों ने लंबे समय से विशाल जीवों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, अब शायद छोटे जीवों पर भी ध्यान देने का वक्त आ गया है। एक वन्य जीव फिल्म निर्माता के रूप में मैंने फिलहाल तो अपने मिशन को पूरा कर लिया है। उम्मीद है मेरी इस फिल्म से लोगों को जो नई जानकारियां पहुंचेंगी, उससे उन्हें नन्हे जीवों के संरक्षण के लिए प्रेरणा मिले और शोध कार्य के नए अध्याय खुलें।